बात एशिया कप 2023 की कर लेते हैं। एशिया कप 2023 जो भारत ने अपने नाम किया, फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को मात दी है। गेंदबाज और हमारे बल्लेबाज दोनों ही खूब चले। भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसी गेंदबाजी की जिसने विरोधी टीम की लंका लगा दी और इसी के साथ भारत आठवीं बार एशिया का नया चैंपियन बन गया। ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे रोहित के धुरंधरों के सामने श्रीलंकाई खिलाड़ियों की लंका लग गई और भारत के सामने पूरी की पूरी टीम श्रीलंका ने सरेंडर कर दिया। ये जश्न है एशिया के नए चैंपियन का, ये जश्न है लंका पर विजय का, ये जश्न है रोहित के सिराज सेना का। सातवें ओवर की पहली गेंद पर भारत ने जैसे ही विजयी रन लिया, देश खुशी से झूम उठा। इसी के साथ भारतीय टीम ने आठवीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। भारत ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। तो मेरे लिए भी कोई अलग बात नहीं है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज है ये कि जब हमारे पास पेसर्स है जो ऐसा काम कर सकते हैं, चारों पेसर्स जो टीम में है, इनफैक्ट पांच, तो उनके अलग अलग स्किल्स है, उनके पास अलग अलग वेरिएशंस है, स्किल सेट है। एक अच्छा स्विंग कर सकता है, एक अच्छा तेज डाल सकता है, एक अच्छा पीछे डाल सकता है, एक अच्छा ऊपर से और हिला सकता है। तो ये सब चीजें अगर आपको एक साथ मिलती है तो ऑब्वियसली एज ए कैप्टन यू फील कॉन्फिडेंट। एंड हमारा ये काफी कोशिश था कि हमारे जो बोलिंग अटैक में जो लोग होंगे वो थोड़ा सा वैरायटी लाए, तो आई थिंक विद दिस स्क्वाड वी हैव दैट वैरायटी। मैच खत्म होते समय बची हुई गेंदों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी जीत है। टीम ने 263 गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले टीम इंडिया ने केन्या को 2001 में 231 गेंद रहते हराया था, लेकिन भारतीय फैन के लिए ये जीत बड़े मायने रखती है।